हेलो माय फिजियो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्कार। आप में से कितने लोग पेशेंट के ज्वाइंट को मोबिलाइज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं? इसका बेसिक टेक्निक क्या है? हम अपने ज्वाइंट को कितने ग्रेड में मोबिलाइज कर सकते हैं? क्या इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज है? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टेक्निक को शेयर करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है मेरा वीडियो का, दैट इज द मेटलैंड टेक्निक ऑफ ज्वाइंट मोबिलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, जीडी मेटलैंड ने 1977 में ज्वाइंट को मोबिलाइजेशन के टेक्निक के बारे में शेयर किया था, बताया था, और इसको हम कितने ग्रेड में मोबिलाइज कर सकते हैं और कब इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मेटलैंड सर ने ग्रेड 4 बताया था, 1-4 का ग्रेड बताया था फॉर द ज्वाइंट मोबिलाइजेशन, एंड ग्रेड 5 है वो आपको मैनिपुलेशन का है। फ्रेंड्स, जीडी मेटलैंड ने ज्वाइंट को मोबिलाइज करने के 1-4 सेगमेंट या टेक्निक बताया है। 1-4 में हम ज्वाइंट को मोबिलाइज करते हैं और जो ग्रेड 5 होता है वो टेक्निक है मैनिपुलेशन का। ओके, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज द मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन और कितने ग्रेड में इसको हम कर सकते हैं और इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। व्हाट इज मोबिलाइजेशन? अकॉर्डिंग टू जीडी मेटलैंड, इट इज द पैसिव ऑसिलेटरी मूवमेंट रिपीटेड 2 or 3 टाइम्स पर सेकेंड ऑफ ए स्मॉल और लार्ज एम्पलीट्यूड इन द रेंज विद इन द कंट्रोल ऑफ द पेशेंट। इट मीन्स ये एक तरह का पैसिव मोबिलाइजेशन टेक्निक है जो हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 or 3 मोबिलाइजेशन पर सेकेंड होगा। ओके, इसको हम स्मॉल रेंज में या फिर लार्ज रेंज में परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपके पेशेंट के कंट्रोल के अंदर होगा। इट मीन्स जब पेशेंट चाहे इन बिटवीन ड्यू टू पेन और एनी रीजन वो आपके मोबिलाइजेशन के जो सीक्वेंस है उसको ब्रेक कर सकता है या उसको रोक सकता है। ओके, सो इन द केस ऑफ मोबिलाइजेशन पेशेंट इन बिटवीन आपके मूवमेंट को वो रोक सकता है, बट ये मैनिपुलेशन में पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज मैनिपुलेशन? इट इज ए सर्टेन मूवमेंट ऑफ थ्रस्ट ऑफ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड परफॉर्म एट ए स्पीड दैट रेंडर्स द पेशेंट पावरलेस टू प्रिवेंट इट। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैनिपुलेशन इतना फास्ट करते हैं, एक थ्रस्ट को अप्लाई करते हैं विद इन द स्मॉल रेंज और इतना क्विकली परफॉर्म करते हैं कि पेशेंट को जब तक वो समझ पाएगा क्या हो रहा है, सो आपने मैनिपुलेशन को परफॉर्म कर लिया है। मैनिपुलेशन में कभी भी पेशेंट इन बिटवीन उसको रोक नहीं सकता है, बट मोबिलाइजेशन बिकॉज ऑफ ग्रेड वाइज कर रहे हैं वहां पे उसके पास टाइम मिलता है, एम्पल टाइम होता है, वो उस मूवमेंट को वहां इन बिटवीन रोक सकता है। ओके, मोबिलाइजेशन आपका अगेन पैसिव मूवमेंट है बट ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। इट मीन्स हम आगे या पीछे कंप्रेस करते हैं, बट मैनिपुलेशन ऑलवेज आपको सिंगल डायरेक्शन में होता है। ओके, मोबिलाइजेशन में आप 2 or 3 टाइम्स पर सेकेंड इसको आप राइड कर रहे हैं, बट मैनिपुलेशन में आपको सिंगल क्विक मूवमेंट में ज्वाइंट को मैनिपुलेट करना होता है। ओके, ये आपको देखना होगा कि इसका क्या इंडिकेशन है, कब हम ज्वाइंट को मोबिलाइज करेंगे, कब मैनिपुलेट करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। ओके, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइडिंग क्या है मोबिलाइजेशन का और मैनिपुलेशन कब करते हैं। जीडी मेटलैंड ने ज्वाइंट स्पेस को, जो कि बिल्कुल फ्यू मिलीमीटर होता है, उसको ही बेस मान करके इसको 1-5 ग्रेड में इन्होंने डिवाइड किया था। अगर उस छोटे से स्पेस को हम यहां पे डायग्राम में अगर इनलार्ज करके देखते हैं तो कुछ ऐसा शो करेगा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, जहां पे ज्वाइंट पे आपका स्टार्ट हो रहा है। दैट इज द बैरियर कॉन्सेप्ट। ये आप मेरे वीडियो में या आई कार्ड में आप देख सकते हैं कि बैरियर कॉन्सेप्ट क्या होता है और जब भी ज्वाइंट को मोबिलाइज करना होगा बैरियर कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए कंपलसरी है। ओके, आप जस्ट मेरे वीडियो में जाएं और जस्ट सी द बैरियर कॉन्सेप्ट, उसके बिना आप ज्वाइंट को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द स्टार्टिंग रेंज दैट इज नोन एज ज्वाइंट पे, यहां पे आप मोबिलाइजेशन टेक्निक को स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ग्रेड 1। इसके बाद ये आपको जो ग्रेड 1 होता है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड का होता है। नेक्स्ट आपको विजिबल है दैट इज द ग्रेड 2, ये अगेन लार्ज एम्पलीट्यूड का होता है। देन कम टू द ग्रेड 3, ये भी आपको लार्ज एम्पलीट्यूड का होता है। देन ग्रेड 4, ये आपको स्मॉल एम्पलीट्यूड का होता है जिसको बिल्कुल लास्ट में अप्लाई कर रहे हैं। देन सबसे लास्ट में आता है ग्रेड 5, जहां पे आपका लास्ट हो रहा है एनाटॉमिकल बैरियर, यहां तक इसको हम लेके जाते हैं। उसके पहले एक आपको रेजिस्टेंस मिलता है दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर, जहां पे आपको टिश्यू टाइट हो जाते हैं या पेशेंट आपको पेन या रेजिस्टेंस का कंप्लेन करता है
तो जो पहला बैरियर मिलता है दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो लास्ट बैरियर है जो बॉडी कॉन्टेक्ट आपका आ गया दैट इज नोन एज एनाटॉमिकल बैरियर। ओके सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एनाटॉमिकल बैरियर हम इस ज्वाइंट स्पेस को 1 to 5 ग्रेड में डिवाइड करते हैं और इसके अकॉर्डिंग जैसा इंडिकेशन पेशेंट का है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड का सिलेक्शन करते हैं। ओके फ्रेंड्स सो आइए देखते हैं कि 1 to 5 ग्रेड होता क्या है। इसका हम यूज कहां करते हैं, जब भी आपका ज्वाइंट स्टिफ हो गया है ड्यू टू सपोज एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर और एनी काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन या स्पाज्म हो गया है या किसी को ऑपरेशन हुआ है। ओके इन सारे कंडीशंस में हम पाते हैं कि ज्वाइंट आपका स्टिफ हो गया है और दैट इज रिक्वायर्ड द मोबिलाइजेशन टेक्निक। सो जब तक इसको हम पैसिवली मोबिलाइज नहीं करेंगे उस ज्वाइंट का फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं आएगा। तो हमारा बेस क्या है इसको ज्वाइंट को मोबिलाइज करने का, आइए देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मेडलेन ग्रेड 1 क्या होता है, सो दिस इज द स्मॉल एम्पलीट्यूड मूवमेंट एंड इट इज परफॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द रेंज। सो इट मींस जो भी आपका ज्वाइंट डे है या एसएससी मूवमेंट है जहां पे आपका ज्वाइंट का मूवमेंट स्टार्ट होता है सो इनिशियली 20% जो होगा वो ग्रेड 1 का होगा। इट मींस हमें यहां से यहां तक ज्वाइंट को ग्राइड करना है। सो टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ज्वाइंट, ये आपका कॉन्वेक्स है और ये आपका कॉन्केव सरफेस है। सपोज ये फिक्स होगा आप यहां फोर्स देके ग्लाइड कर रहे हैं सो इनिशियली जो आपका 20% का रेंज होगा ये आपका ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन होगा। यू कैन सी हियर आल्सो सो इनिशियली 20% जो होगा दैट इज द ग्रेड 1। इट मींस उतने रेंज तक हमें उस बोन को नीचे ग्लाइड करना है। नाउ कम टू द ग्रेड 2। ओके एंड इट इज परफॉर्म विद इन द रेंज but not reaching the limit of the range. It is done between the 20 to 60% of the joint pain. It means जो आपका joint का range है उसका 20 से लेकर 60% का जो range होगा it means overall 40% जो range होगा वहां पे grade 2 perform करना है। It means तो सबसे पहले आपको grade 1 तक जाना होगा, after then आपका grade 2 का range start होगा और up to the 60% जो joint space रहेगा वहां तक इसको लेके जाना है। You can see here, आपने 1 से यहां तक किया, 1 को क्रॉस करने के बाद आपको 2 स्टार्ट होगा और जो ज्वाइंट स्पेस है उसके एवरेज 60% तक जाना है। ओके बट कंडीशन होगा विद इन द लिमिट ऑफ द रेंज, सो आपको रेंज को क्रॉस नहीं करना है। अब यहां पे हम 2 प्लस या 2 माइनस को साइन को लिख सकते हैं सो मे बी आपके लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा। सो 2 माइनस कब लिखेंगे, जब आपका इनिशियल रेंज स्टार्ट हो रहा है ग्रेड 2 का, इट मीन्स आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो वहां 2 माइनस का साइन हम लिखते हैं। और अगर आपका वेल आप कंप्लीट रेंज को कंप्लीट कर पा रहे हैं सो वहां पे 2 प्लस का साइन हम वहां पर लिखते हैं। नेक्स्ट हो गया ग्रेड 3। सो अगेन दिस इज द लार्ज एम्पलीट्यूड मूवमेंट एंड इट इज परफॉर्म अप टू द लिमिट ऑफ द रेंज। तो इनिशियली जो आपका रेंज है दैट इज द फाइंडिंग, जो आपका एनाटॉमिकल बैरियर आ रहा है वहां तक अगर लेके जा पा रहे हैं अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस तो वहां पे ग्रेड 3 इसको मेंशन करेंगे। यू कैन सी द रेंज हियर स्टार्ट हो रहा है आपका ग्रेड 2 के बाद स्टार्ट होगा और जो लास्ट आपका लिमिट है वहां तक इसको लेके जा सकते हैं। तो इतना अगर लार्ज रेंज में आपका बोन ग्लाइड कर पा रहा है सो दैट इज विद इन द ग्रेड 3। ओके नाउ कम टू द ग्रेड 4। इट इज द स्मॉल एम्पलीट्यूड मूवमेंट एट द लिमिट ऑफ द रेंज एंड इन टू द रेजिस्टेंस। यू कैन सी हियर इसका रेंज छोटा होता है और जो पहला बैरियर आपका था दैट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर ड्यू टू एनी काइंड ऑफ पेन और रेजिस्टेंस, इसके बाद आप बैरियर में ग्रेड 4 को मोबिलाइज कर रहे हैं। इटमीन्स आप इस रेजिस्टेंस के या बैरियर के बीच में आप ग्रेड 4 टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं और यहां भी यहां से लेके बोन को आप तो अप टू द एनाटॉमिकल बैरियर तक लेके ग्लाइड करना होता है। ओके यू कैन सी हियर दिस इज द ग्रेड 4। इसके बाद का जो रेंज होगा दैट इज द रेंज ऑफ मैनिपुलेशन ग्रेड 5 टेक्निक। सो इट इज द टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज ए हाई वेलोसिटी शॉर्ट एम्पलीट्यूड थ्रस्ट, इट इज परफॉर्म फ्रॉम द लिमिट ऑफ रेंज टू द बियॉन्ड बट इट विल नॉट क्रॉस द एनाटॉमिकल बैरियर। इट मींस जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं मैनिपुलेशन का ये कहीं भी आपका जो बैरियर है लास्ट बॉडी कॉन्टैक्ट का उसको क्रॉस नहीं करना है। सो ऑलवेज जो मैनिपुलेशन करते हैं बिटवीन द स्पेस ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड द एनाटॉमिकल बैरियर दैट इज नोन एज पारा फिजियोलॉजिकल स्पेस। इसके बारे में डिटेल्स आपको जो मेरा लास्ट वीडियो है बैरियर कॉन्सेप्ट वहां डिटेल्स मिल जाएगा, यू कैन वॉच।
ओके सो इस टेक्निक का हम यूज कहां कहां कर रहे हैं, टू डिक्रीज द पेन, सो डिक्रीज द स्पाज्म, टू गेन द रेंज ऑफ मोशन, ये कुछ हमारे कॉमन इंडिकेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं आइदर ओवर द पेरिफेरल ज्वाइंट और द स्पाइन। सो फ्रेंड्स इस टेक्निक को आप जब यूज करेंगे सो यू विल गेट ए ड्रास्टिक चेंज इन द कंडीशन और एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजी इन द ज्वाइंट और स्पाइन। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक एंड यू मस्ट अप्लाई ओवर योर पेशेंट। ओके तो इस टेक्निक को आप वन बाय वन ट्राई करें ओवर द पेशेंट। सो आइए देखते हैं डिफरेंट कंडीशंस में हम किस ग्रेड का सिलेक्शन करेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट आपका हो गया थ्रू द रेंज पेन, अगर कंप्लीट रेंज में आपको पेन आ रहा है तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं हमें ग्रेड 2 माइनस से और इसे अप टू हम ग्रेड 3 प्लस तक लेके जा सकते हैं। ओके तो जहां भी रेंज आपका पेन होगा वहां पे हम 2 माइनस का या 3 प्लस का हम सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हो गया इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी, अगर ज्वाइंट के अंदर कुछ पैथोलॉजी है सो इन दैट केस हम यूज करते हैं या टेक्निक ऑफ 2 माइनस का अप टू द ग्रेड 3 या फिर यू कैन अप्लाई ग्रेड 3 माइनस ऑल्सो। तो इस तरह से हम इंट्रा आर्टिकुलर जो पेन है ड्यू टू पैथोलॉजी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ सी द थर्ड वन दैट इज द एंड ऑफ रेंज पेन, तो जहां पे एंड रेंज में अगर पेन आ रहा है वहां पे यूज करते हैं हम लोग हैं ग्रेड 4 का या फिर ग्रेड 4 प्लस तक इसको लेके जा सकते हैं या फिर हम फाइनली ग्रेड 4 का जो प्लस प्लस है इट मीन्स अप टू द रेंज जहां पे मोलासन टेक्निक होगा उसको अप्लाई करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द सोरनेस, अगर ज्वाइंट या मसल्स का सोरनेस हो गया है सो इन दैट केस अप्लाई करते हैं हम आइदर ग्रेड 2 का या ग्रेड 3 माइनस का और फिर अप टू द ग्रेड 3 और 3 प्लस तक इसको हम लेके जा सकते हैं। ओके इनिशियली ग्रेड 1 हम अप्लाई करते हैं जस्ट टू चेक द ज्वाइंट में मूवमेंट हो रहा है या नहीं या पेनफुल है नहीं, वहां पे ग्रेड 1 को अप्लाई करेंगे। सो इनकेस अगर आपको ग्रेड 4 भी अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग करना होगा ऑलवेज ग्रेड 1 से, देन ग्रेड 2, देन ग्रेड 3, देन अप टू ग्रेड 4 तक आपको रीच करना है। ओके सो ऑलवेज स्टार्टिंग आपका होगा ग्रेड 1 से, आप पहले इसको क्लियर करेंगे देन गो थ्रू ग्रेड 2 देन 3 देन 4। ओके तो एक रेंज जहां कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपका सेकेंड रेंज स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा मार्क नहीं चलना कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपका ग्रेड 4 स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। सो आपको डीपली जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना है। सो फर्स्ट सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ज्वाइंट, ये पार्ट आपको पहले स्टेबलाइज करना है, प्रॉक्सिमल पार्ट को, डिस्टल पार्ट को आप ग्लाइड कर रहे हैं। सो पहले आपने ट्रैक्शन दिया देन ग्लाइड कर रहे हैं, दिस इज इनिशियली अप टू 20%, दिस इज ग्रेड 1। ग्रेड 1 अचीव करने के बाद मैं प्रेशर को राइज कर रहा हूं, नाउ ट्राई टू गेन द ग्रेड 2 अप टू 60% ऑफ रेंज, अगेन इसको प्रेस करके रखेंगे देन फर्दर मूव करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे देन आपको ग्रेड 3 अप टू द लास्ट रेंज तक जाएगा, जस्ट चेक ये पेनफुल है नहीं, देन फाइनली टर्मिनल एंड पे आप स्मॉल एम्पलीट्यूड में ग्रेड 4 को मोबिलाइज करेंगे। ओके एंड द ग्रेड 5 इज दैट इज द मैनिपुलेशन, तो आपका जो एनाटॉमिकल बैरियर है वहां तक लेके जाएंगे इसको आप, फाइनली यू हैव टू जस्ट फील द बैरियर देन ज्वाइंट को मैनिपुलेट करना है। ओके सो होप गाइस ये सारे टेक्निक आपके लिए यूजफुल होंगे और अपने पेशेंट को अप्लाई करके आप चेंजेस को देखेंगे। इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक टू कंट्रोल द पैथोलॉजी ऑफ द ज्वाइंट और मसल्स, यू मस्ट अप्लाई ओवर योर पेशेंट और आप देखेंगे कि आपके ज्वाइंट रेंज ऑफ जो मोशन है जहां स्टिफनेस था या पेन था कैसे आपने क्विकली इसको रिलीफ कर दिया है। ओके सो इन एनी केस यू कैन अप्लाई बट यू मस्ट चेक द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द ज्वाइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। ओके सो इसके बारे में डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा कि डिफरेंस क्या है मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन का, इसके क्या क्या इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है एंड हाउ टू अप्लाई दैट। ओके गाइज सो टिल देन जस्ट प्रैक्टिस दिस टेक्निक्स ओवर द पेशेंट एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।